भक्तजनों, नवरात्रि के तीजे दिवस मैया चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। मैया ने मस्तक पर अर्ध चंद्रमा को धारण किया है, इसीलिए महारानी को चंद्रघंटा नाम से पूजा जाता है। देवी चंद्रघंटा की सवारी सिंह है भक्तों, और माँ अपने हाथों में कमल, धनुष, पुष्प, बाण, कमंडल और अनेकानेक अस्त्र शस्त्र धारण करती है। इनके कंठ में श्वेत पुष्पों की माला है और शीश पर स्वर्ण का मुकुट विराजमान है। तो आइए भक्तों, पूरे श्रद्धा भाव के साथ मैया दुर्गा के तीजे पावन स्वरूप चंद्रघंटा की पावन संगीतमय कथा सुनते हैं। चंद्र घंटा महामाई नव दुर्गा तीजा रूप बनाई। चंद्र घंटा महामाई नव दुर्गा तीजा रूप बनाई। रूप बनाई तीजा रूप बनाई। रूप बनाई तीजा रूप बनाई। हाँ, चंद्र घंटा महामाई नव दुर्गा तीजा रूप बनाई। चंद्र घंटा महा भक्तजनों, तीसरे नवरात्रे में मैया चंद्रघंटा का पावन स्वरूप भक्तों द्वारा पूरे श्रद्धा भाव के साथ पूजा जाता है। मैया के मंदिर सजाए जाते हैं, लाल चुनरी, ध्वजा, नारियल, मैया के लिए भक्त भेंटे लाते हैं, ढोल, नगाड़े, ताशे बजते हैं, मैया के जय जयकार लगते हैं, मैया के बीज मंत्र और कथाएं पूरी सृष्टि में सुनाई पड़ती हैं। ऐसे पावन पवित्र अवसर पर हमें भी मैया चंद्रघंटा का सच्चे हृदय से आराधन करना चाहिए। तीजे नौराते में पूजा करना, तीजे नौराते में पूजा करना, भक्ति भाव से श्रद्धा को करना, भक्ति भाव से श्रद्धा को करना, पार करेंगे महामाई नव दुर्गा तीजा रूप बनाई। चंद्र घंटा महामाई नव दुर्गा तीजा रूप बनाई। हाँ, चंद्र घंटा महामाई नव दुर्गा तीजा रूप बनाई। चंद्र घंटा महामाई नव दुर्गा तीजा रूप बनाई। मैया के पूजन आराधन से साधकों को चिरायु, आरोग्य, सुख, संपत्ति, यश और वैभव प्राप्त होता है। भक्तों, मैया चंद्रघंटा की पूजा नवरात्रि के तीजे दिवस करने से भक्तों के जन्म जन्मांतर के कष्ट दूर हो जाते हैं और उनके कई कई जन्मों के सोए हुए भाग्य जाग जाते हैं। तो भक्तों, इस कलयुग में अवसर न गंवाना, हर नवरात्रे में तीजे दिवस मैया चंद्रघंटा की जय जयकार लगाना। माथे अर्ध चंद्र को धारा, माथे अर्ध चंद्र को धारा, रूप अनुपम अद्भुत प्यारा, रूप अनुपम अद्भुत प्यारा, पावन परम सुहाई नव दुर्गा तीजा रूप बनाई। चंद्र घंटा महामाई नव दुर्गा तीजा रूप बनाई। हाँ, चंद्र घंटा महामाई नव दुर्गा तीजा रूप बनाई।
तो महिषासुर नामक दैत्य ने भारी उत्पात मचाया था, इंद्र को स्वर्ग विहीन कर दिया। देवी देवता उसके भय से छुपे हुए फिर रहे थे। सभी बहुत परेशान थे कि सभी देवी देव त्रिदेवों की शरण में आए। त्रिदेवों ने एक जगह पर अपना ध्यान रमाया भक्तों, और मैया के रूप में वो तेज पुंज परिवर्तित हो गया। सभी ने अपनी अपनी शक्तियां मैया को थमाई, और मैया ने क्या किया आइए सुनते हैं। महिषासुर उत्पात मचाया, महिषासुर उत्पात मचाया, देवों ने माँ को उपजाया, देवों ने माँ को उपजाया, शक्तियां सारी थमाई, नव दुर्गा तीजा रूप बनाई, चंद्र घंटा महामाई, नव दुर्गा तीजा रूप बनाई। हाँ, चंद्र घंटा महामाई, नव दुर्गा तीजा रूप बनाई, चंद्र घंटा महामाई, नव दुर्गा तीजा रूप बनाई। भगवान शिव का त्रिशूल, तीजे नेत्र की शक्ति, गले का वासों की नाग, चंद्रहास खड़क, श्री हरि का सुदर्शन चक्र, इंद्र का वज्र, हिमाचल का सिंह, मेघों की शक्ति, अग्नि से उसकी ज्वाला और वायु से वेग लेकर मैया रानी रणभूमि में गई। भक्तों, सारी असुर सेना का नाश कर दिया। और जब महिषासुर मां से युद्ध करने आया तब क्या हुआ आइए सुनते हैं। महिषासुर लड़ने को आया, महिषासुर लड़ने को आया, मां ने उसका शीश उड़ाया, पल में मार गिराई, माँ दुर्गा तीजा रूप बनाई, चंद्र घंटा महामाई, नव दुर्गा तीजा रूप बनाई, चंद्र घंटा महामाई, माँ दुर्गा तीजा रूप बनाई, चंद्र घंटा महामाई, नव दुर्गा तीजा रूप बनाई। महिषासुर का अंत होते ही देवों ने मैया चंद्र घंटा का सच्चे हृदय से जय जयकार लगाया। भक्तों, तीनों लोग मैया के चरणों में नतमस्तक हो गए। अब इंद्र को अपना स्वर्ग का अधिपत्य फिर से प्राप्त हो गया था। भक्तों, तो ऐसी चंद्र घंटा माँ जिन्होंने देवों के हित राक्षसों का अंत किया, यदि आप भी अपने जीवन में सुखों का आगमन चाहते हैं, यश सुख संपत्ति धन वैभव चाहते हैं, रोग शोक कष्टों से मुक्ति चाहते हैं, तो नवरात्र के तीजे दिवस मैया चंद्र घंटा का पूजन सच्चे हृदय से करें। एक बार मेरे साथ सच्चे हृदय से बोलिए, बोलिए चंद्र घंटा महामाई की। देवों ने जयकारा लगाया, देवों ने जयकारा लगाया, चंदन तिलक से माँ को मनाया, चंदन तिलक से माँ को मनाया, चरणों में श्रद्धा चढ़ाई, माँ दुर्गा तीजा रूप धराई, चंद्र घंटा महामाई, नव दुर्गा तीजा रूप,
चंद्र घंटा महामाई माँ दुर्गा तीजा रूप धराई।